राजनीति और फिल्मों में आधुनिकता का दौर हमेशा से है। अंतर धार्मिक विवाहों का प्रचलन तो राजनीति और फिल्मी हस्तियों में बहुत पहले से चला आ रहा है। कभी नुसरत जहां निखिल जैन के साथ विवाह संबंध को नकारती हैं, तो कभी आमिर खान किरण राव को तलाक देते हैं। नुसरत जहां शादी करती हैं निखिल जैन से और इतने ड्रामे करती हैं कि क्या कहने। करवा चौथ पर संसद में आती हैं लगभग हिंदू वेशभूषा में, जबकि मुस्लिम समुदाय में ये नियम है कि चाहे मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से, दोनों ही दिशा में हिंदू को ही मुस्लिम बनना पड़ेगा। ऐसे में नुसरत के ये ड्रामे महज चर्चाओं में रहने के लिए ही थे। और रही आमिर खान, दो दो हिंदू लड़कियों से विवाह को तलाक देते हैं। आमिर खान की पहली पत्नी हिना दत्ता, दूसरी किरण राव, पहले से जुनैद और आयरा, दूसरे से आजाद, पहली चली 20 साल, दूसरी 15 साल। मतलब ये कि दोनों भी आमिर खान से विवाह के लिए मुस्लिम ही बनी होंगी। और उधर निखिल जैन भी शादी के लिए धर्म का त्याग, और बाद में जिसे शादी के लिए धर्म बदला उसने ही कर दिया त्याग। ये सब देखने के बाद भी नुसरत जहां के अभी भी एक और हिंदू से ही संबंध, यशदास गुप्ता से, और आमिर खान को एक और हिंदू राखी सावंत का विवाह के लिए ऑफर। कमाल है, यही कहा जाएगा कि हिंदू लड़के लड़की या तो बहुत ज़्यादा भावुक हैं या मूर्ख, इससे अलग कुछ भी नहीं।